ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 21 अक्टूबर 2019 सोमवार का दिन है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। संतान की उन्नति तथा प्रगति के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है और पुनर्वसु नामक नक्षत्र जो कि शाम को 5:28 तक रहेगा, उसके बाद पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा जो कि 22 अक्टूबर की शाम को 4:36 तक रहेगा। दिवाली से पहले आने वाले पुष्य नक्षत्र का अपने आप में विशेष महत्व माना जाता है। चंद्रमा जो कि सुबह 8:30 के पहले मिथुन राशि में, उसके बाद कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो दर्पण में अपना चेहरा देख करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहुकाल जो कि सुबह 7:30 से लेकर 9:00 तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव तुला राशि में, चंद्रमा मिथुन तथा कर्क राशि में, मंगल ग्रह कन्या राशि में, बुध तुला राशि में, गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन तथा केतु धनु राशि में रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष वृषभ कर्क सिंह कन्या वृश्चिक धनु और मकर, ये 8 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। इनका नया काम शुरू हो सकता है, नई नौकरी या नया कारोबार भी इनका प्रारंभ हो सकता है। आर्थिक लाभ के अच्छे और बड़े अवसर भी इनको प्राप्त होने वाले हैं। तो मित्रों अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज आपको कार्यक्षेत्र में अच्छा फायदा होगा। सामाजिक तौर पर आप बहुत सक्रिय रहेंगे। दोस्तों और परिचित लोगों के साथ आपका समय व्यतीत होगा। कोई प्रेम प्रसंग शुरू होने की संभावना है। पुराने दोस्तों रिश्तेदारों से मदद मिलेगी। आज आप सहयोग का मन बनाकर चले, मन में चल रही बेचैनी से छुटकारा मिल जाएगा। गुस्से और उत्तेजना पर आपको कंट्रोल करना चाहिए और किसी बिगड़ते काम को भी आप पूरा कर सकते हैं। गंभीर बातों में आपको जो है ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए। किसी न किसी वजह से आपको कोई गलत फहमी हो सकती है और उपाय के रूप में यदि आप भोजन के साथ अदरक खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आज आपको कुछ ऐसे लोगों से फायदा होगा जिनके बारे में आपका कभी भी एहसास नहीं था कि इनसे फायदा हो सकता है। आपके मन में कई प्रकार के विचार चलते रहेंगे, बार बार आपका मूड बदलता रहेगा। परिवार के साथ काम करने वाले कुछ लोग आपकी समाज में मदद कर सकते हैं। मेहनत और संपर्क के दम पर आपके सभी काम पूरे हो जाएंगे। कुल मिलाकर के दिन ठीक ठाक रहेगा। सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहे। कानूनी और राजनीतिक क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। कोई बड़ा फैसला आप कर सकते हैं और उपाय के रूप में यदि आप कोई भी मीठी वस्तु खा करके घर से निकलेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। नौकरी तथा कारोबार से जुड़ी नई बातें आज आपको पता चलेगी। इनकम खर्चा पारिवारिक और पेशेवर जीवन में आपको संतुलन बनाकर रखना चाहिए। दूसरों की तारीफ करें और खुले मन से बात करें, इसी में आपका फायदा है। अपनी समझदारी से नए अवसरों का फायदा उठाने की आप कोशिश करेंगे। परिवार का पूरा समर्थन और सपोर्ट आपको मिलेगा। मनोरंजन और रोमांस के अवसर भी मिलेंगे। आपकी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। खर्चा थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा। खर्चों पर आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में यदि आप लाल रंग का कपड़ा चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की।
आज का दिन आप बेहद अच्छे से व्यतीत करेंगे और व्यावहारिक भी रहेंगे। कुछ खास लोगों का ध्यान आपके ऊपर रहेगा। बड़े फैसले भरोसेमंद लोगों की सलाह लेकर ही करें, सोच विचार करके ही आगे बढ़े। रिश्तों की कोई अनबन आप सुलझा सकते हैं। आज किए गए कामों से आपको बड़ा फायदा होगा और सफलता भी मिलेगी। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, धैर्य और संयम रखें, परिवार की परेशानियां समाप्त हो जाएगी। आज अपनी बातचीत की शैली से किसी को भी आप सहमत करवा सकते हैं। कुछ लोग आपकी बुराई करेंगे और आप में कमी निकालने का प्रयास भी करेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि किसी को कुछ गलत बात बिल्कुल ना बोले और कोई गलत फैसला होने की संभावनाएं बढ़ रही है, इसलिए सावधानी बरतना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। और उपाय के रूप में भगवान विष्णु जी के मंदिर में पीले रंग का फल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आपको धन लाभ होगा, नौकरी से जुड़े फायदे के संकेत भी मिलेंगे, किसी अधिकारी या बड़े आदमी से चर्चा होगी। आज आप किसी समस्या को ज़्यादा बड़ा न समझें, कोई चुनौती आपके लिए एक मौका दे सकती है। लोगों को अपनी राय से सहमत करवाने में आप सफल हो जाएंगे। दूसरों की मदद का कोई भी काम आप करेंगे तो उसमें आपको ही फायदा होगा। नए लोगों से दोस्ती होगी, दुश्मन आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, दोस्तों के साथ आपका समय व्यतीत होगा। और उपाय के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में मिश्री का भोग लगा करके परिवार में प्रसाद बांटेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। दिन ठीक ठाक रहेगा, कोई नया काम शुरू करने और समस्याओं को सुलझाने के लिहाज से दिन अच्छा है। नई नौकरी के ऑफर आपको मिल सकते हैं तो आप पूरी व्यावहारिक ढंग से उस पर विचार करें। बिगड़े काम बनाने में पूरी ताकत लगाएंगे, समय भी लगाएंगे, गर्मजोशी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे तो बिगड़े संबंध भी आपके शुरू हो जाएंगे। कोई नया काम आपके माध्यम से शुरू हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। उपाय के रूप में पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ा करके घी का दीपक लगाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आज आप आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी, लोगों पर आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। शांति से काम करें, परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करें। अपनी बात कहने के लिए आप बहुत ज़्यादा उत्सुक रहेंगे, कई प्रकार के लोगों से मिलेंगे, दोस्तों के साथ आपका समय व्यतीत होगा। पारिवारिक समस्याएं निपटाने के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे, खर्चा बढ़ा हुआ रहेगा। अपनी भावनाओं को फिलहाल मन में ही दबा कर रखें। आप अपने सामाजिक संबंधों या साथ काम करने वाले लोगों के कारण परेशान हो सकते हैं। ध्यान रखें, किसी से अनबन भी हो सकती है, वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं। और उपाय के रूप में तुलसी जी के पास घी का दीपक लगाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलने वाला है, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, लोगों से मदद मिलेगी, जरूरतमंद लोगों की मदद भी आप करेंगे। पैसों और महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको संभाल कर रखना चाहिए, सेहत पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी और यारी दोस्ती में ज़्यादा समय खराब न करें। आपको सावधान रहना होगा, समय का सदुपयोग करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। फालतू के विवादों और फालतू के कामों से आपको दूर रहना होगा। और उपाय के रूप में यदि आप देवी जी के मंदिर में लाल रंग की चुनरी या कोई भी लाल कपड़ा चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आपको अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा, समय पर काम निपटाने की कोशिश आपको करनी चाहिए। व्यस्तता के बावजूद लोगों को समय भी आप देंगे, नया संबंध आपका शुरू हो सकता है। काम के बोझ के कारण किसी काम में आपका मन थोड़ा कम लगेगा, कोई जिम्मेदारी वाला काम टालने का प्रयास भी आप करेंगे उसमें नुकसान हो जाएगा। और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, कोई भी फैसला लेना हो तो अच्छी प्रकार से सोच विचार कर आपको करना चाहिए। और उपाय के रूप में भगवान शंकर जी के मंदिर में दूध से बनी मिठाई का भोग लगा करके प्रसाद बांटना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा।
अब हम बात करते हैं मकर राशि की। पैसों की स्थिति में सुधार लाने के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। बिजनेस या जॉब से जुड़े खास मामलों पर किसी से चर्चा होगी। आज आप कोई बात मन में न रखें, किसी न किसी तरह किए गए कामों से आपको फायदा होगा। किसी अनुभवी व्यक्ति से महत्वपूर्ण सलाह आपको प्राप्त होगी। और कोई कार्य यदि आपका बहुत दिनों से अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो उसमें जल्दबाजी बिल्कुल न करें। शांति और धैर्य से काम करेंगे तो सफल भी हो जाएंगे। और उपाय के रूप में यदि आप माँ दुर्गा के मंदिर में लाल रंग का कुमकुम चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभफलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। दिन सामान्य रहेगा, आपकी तारीफ होगी। आज कुछ लोग आपसे बातचीत या आपके विचारों से प्रभावित होंगे। अपनी किसी जानकारी या कॉन्टेक्ट दम पर आप शाम करने वाले किसी व्यक्ति की मदद भी कर सकते हैं। आप अपनी प्लानिंग को गुप्त रखें, किस्मत के भरोसे बिल्कुल न रहे। मेहनत और आत्मविश्वास से काम करना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। रुका हुआ पैसा कहीं पर अटक सकता है, सावधान रहे। किसी को उधार पैसा यदि आप देना चाह रहे हैं तो उसमें भी सावधानी की आवश्यकता होगी। और उपाय के रूप में तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना आपके लिए शुभफलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। किसी महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा होगी। किसी खास इंसान से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। खुद के लिए समय निकाल लेंगे। परिवार रिश्तेदारों के साथ आत्मीयता बढ़ेगी। दोस्तों के साथ हंसी मजाक के अवसर भी आपको मिलेंगे। दिन आराम से बीतेगा और कहीं यात्रा पर जाने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। ऐसे स्थान पर आपको जाने का अवसर मिलेगा जहाँ पहले आप कभी नहीं गए हैं। और उपाय के रूप में यदि आप शहद का भोग भगवान को लगाएंगे और किसी भी गरीब व्यक्ति को दान करेंगे तो आपका दिन शुभफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। तो भक्तजनों, यह राशिफल हमने आपको बताया है। हमारी ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।